नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर देते हैं हिमाचल समाचार पर। चंबा जिला के तहत आने वाले चुराव वन मंडल में इन दिनों निजी भूमि से कसमल को उखाड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर वहां कार्यक्रम काफी तेजी गति पे है। सोलन जिला के कायलर की रहने वाली आरती शर्मा ने जयपुर में विश्व फिटनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है, जिसे लेकर राज्य भर में हर्ष का माहौल है। वो जयपुर राजस्थान में नेशनल चैंपियनशिप हुआ WFF की साइड से बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में, तो जिसमें मेरा गोल्ड आया, प्रथम स्थान मैंने हासिल किया उसमें। और आगे अब मिस यूनिवर्स के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया है, तो अब मैं उसकी तैयारी करूँगी। मंडी के पडल मैदान में 7 दिनों तक चलने वाली भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में सेना भर्ती कार्यालय मंडी के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के 2,310 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। लाहौल स्पीति और कुल्लू के कैंडिडेट्स आएंगे, सारे कुल मिला के 315 कैंडिडेट्स आने थे, तो 255 आए हैं, जिसमें लाहौल स्पीति के 5 कैंडिडेट्स हैं और 250 कैंडिडेट्स कुल्लू से आए हैं, और कुल मिला के 2,310 कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम पास हुए थे उन्होंने आना है। बट हमने एक वॉच डिस्प्ले की है, इसमें हर कैंडिडेट वॉच को देख सकता है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में गोबर खरीद की मांग को लेकर सदन में पहुंची भाजपा क्या कुछ कह रही है, आप भी देखें। धर्मशाला विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का वॉकआउट पर क्या बोले मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू, आप भी सुनिए। इसी प्रकार से हिमाचल के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, किसी न किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे कि अभी हमारे को जो हमारा बजट में अधिकार बनता है, हमने 905 करोड़ रुपए का आपदा का हमने लॉस बनाकर भेजा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विनय कुमार को विधानसभा उपाध्यक्ष बनने पर दी बधाई, कहा सदन की पहले दिन की कार्यवाही रही शांतिपूर्ण। हमीरपुर जिला में नवजात बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर की आशा वर्कर और ANM और सुपरवाइजर को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 42 दिन की डिलीवरी के बाद 6 से 7 विजिट करती है होम पे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल आया सरकार का कि जो 3 महीने से लेके 3 साल तक जो हमारे बच्चे हैं, उनका चेकअप जो है आशा वर्कर ANM जो है वो हर 3 महीने में करेगी। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वही पे थोड़ी जो प्रॉब्लम होती है गांव में, पता नहीं लगता कि बीमारी है, ग्रोथ ठीक है, वेट ठीक है, हाइट ठीक है, अगर उसमें कुछ कमी पेशी जाइए पाई जाती है, तो आशा जो है वो 3 महीने के बाद और हमारा हेल्थ वर्कर उसको देखेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसको PSC CHE या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कुल्लू में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन जाने पर अपना अनुभव साझा करते लाभार्थी चिंतराम क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। मेरा नाम चिंतराम महंत है, मैं रामशिला वार्ड नंबर 1 कुल्लू का स्थायी निवासी हूं। मैं हमारा पहले कच्चा मकान हुआ करता था, फिर जिससे कि हमारे काफ़ी दिक्कतें आती थी, फिर मुझे शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में पता चला, तो फिर मैंने कमेटी में अप्लाई किया, जहाँ के मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, फिर मैंने इसके लिए आवेदन दिया तो वो मंजूर हो गया। फिर जो हमारा कच्चा मकान था, हमने उसको उखाड़ा और उसकी जगह नया मकान बनाया, तो जिसमें हमें जो ये शहरी आजीविका विकास योजना के तहत जो पैसा था उसके काफ़ी सहायता हुई। अब जितना गाड़ी चलेगी उतना ही लगेगा टैक्स, गडकरी बोले मार्च 2024 तक शुरू होगी नई व्यवस्था। धर्मपुर के पास राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर 2 कारों में भिड़त, जांच में जुटी पुलिस, ये आप भी देखिए। स्पीति के बातल में फंसे 5 पर्यटकों का स्थानीय लोगों की मदद से मंगलवार को किया गया सफल रेस्क्यू, स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद
इस रास्ते से निकल गए थे पर्यटक, बातल में दो दिन फंसे रहे। ये देखिए गाड़ी, एक पॉजिटिव बात में मैं आपको बताऊं कि विद्या से बड़ा कोई धन नहीं जिसे ना कोई चुरा सकता है ना कोई उसे लूट सकता है, इसलिए विद्वान बनिए, विद्या हासिल कीजिए। इस तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जीबीसी अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।